ब्रेन पार्ट टू, ठीक है ना। पार्ट वन में कंप्लीट हो गया था कि ब्रेन किस चीज से बनी हुई है, कैसे बनी हुई है और कौन कौन सी हड्डी होती थी। पार्ट टू की बातें करेंगे तो ब्रेन के जो भाग होते हैं वो तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क आपके ब्रेन के तीन भागों में बांटा गया। जो अग्र मस्तिष्क होते हैं उनके भी तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और उसके बाद मध्य मस्तिष्क जो होते हैं कार्पोरा, सेरिब्रम पेडिकल, और मध्य पश्चिम मस्तिष्क में जो होता है सेरिबेलम और मेंडुला अपला गाटा होता है। ये भी मेंडुला अपला गाटा होता है। तो बातें करेंगे जो अग्र मस्तिष्क होते हैं उनका जो सेरिब्रम वाला भाग होता है, पहले वाला जो भाग होता है सेरिब्रम वाला भाग होता है, वो हमारे मस्तिष्क का 66% भाग होता है। वो हमारे पूरे मस्तिष्क का 66% भाग होता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, मेमोरी, यादाश्त, जिज्ञासा, कुछ सीखने की कैपेसिटी, मतलब सारा चीज इस पे डिपेंड होता है। मतलब आपका ये सबसे बढ़िया चीज होते हैं कि हम लोग जितने भी याद करते हैं, जन्म करने की कैपेसिटी होते हैं, यादाश्त रखने की, कुछ सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, तो ये सारा चीज सेरिब्रम पे होता है, जिसको कहते हैं हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और थैलेमस का जो कार्य होता है ये बाहरी वातावरण को बताता है, किसको, बाहरी वातावरण को बताता है। और बाहरी वातावरण का क्या बताता है कि ठंडा है या गर्म है, ठंडा या गर्म को बाहरी वातावरण को बताता है। और इंसान जब शराब पी लेता है तो ये थैलेमस कार्य करना बंद कर देता है। कभी कभी आप देखेंगे जब जो दारू पीते हैं इंसान, तो उनको पता ही नहीं चलता कि हम ठंडा है या गर्मी हो। दारू पी लेंगे तो ठंडा पानी में, नाली में, सब जगह कूदते रहते हैं, चाहे वो ठंडा का मौसम रहा चाहे गर्मी का मौसम रहा। तो शराब पीने से ये थैलेमस आपका बंद हो जाते हैं और ये हमारे बाहरी वातावरण को बताता है ठंडा है गर्मी है। और हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर को बताता है, अंदर के टेम्परेचर या वातावरण को बताता है, जैसे फीवर वर होता है, बुखार उखार होता है। देखते हो गर्मी के मौसम में भी हमें अगर बुखार हो जाए तो बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगती है, गर्मी में अगर बुखार होता है तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। तो वो जो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है वो अंदर के जो वातावरण होता है ना, इनके द्वारा बताया जाता है, आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ये बॉडी के अंदर के वातावरण को बताता है। और इनका बहुत खराब कार्य क्या होता है इनके, इनके द्वारा, कि ये गुस्सा, प्रेम, भूख, प्यास, निंदा, पसीना या नींद लगना, लाल पीला या घृणा सर, ये सारा चीज इन्हीं की वजह से होते हैं। आपको गुस्सा आता है तो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है, आपको भूख अगर नहीं लगता तो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, प्यास नहीं लगता तो भी हाइपोथैलेमस की कमी होती है, नींद अगर नहीं आती तो भी हाइपोथैलेमस, अगर पसीना ज्यादा हो जाए तो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और अगर लाल पीला, मतलब आप कभी उल्टा पुल्टा कर देखते हैं ना, मतलब आपका जो होते हैं आजकल के इन्वॉल्वमेंट मगर ऐसी चीजें होते हैं तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। घृणा भी आना तो हाइपोथैलेमस के द्वारा आता है। उसके बाद ये होता क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल अगर हम लोग ज्यादा ज्यादा हमारे शरीर में लगता है बनने, तो ये हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। या तो उत्तेजित पदार्थ अगर हम लोग खाते हैं, जैसे जो कि प्याज, लहसुन या मांस मछली, अगर ये सारी चीज अगर हम लोग करते हैं तो ये हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये सारा चीजें होते हैं। उसके बाद जो आपका मध्य मस्तिष्क में होता है, जिसको कहते हैं कार्पोरा, मध्य मस्तिष्क का दो भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रम पेडिकल होते हैं। जो कार्पोरा का भाग होते हैं वो देखने और सुनने का कार्य होता है। हम लोग जो देखते हैं सुनते हैं ये किसके माध्यम से होता है, इसकी भी सूचना हमारे मस्तिष्क को जाता है। तो ये सारी सूचनाएं जो होती है वो आपका कार्पोरा का कार्य होता है। और सेरिब्रम पेडिकल का जो कार्य होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जोड़ता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जिसको कहते हैं मेरु रज्जू, इन दोनों को जुड़ने का कार्य करता है ना, इन दोनों को जुड़ने का कार्य करता है ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, देखो ये जुड़ने का कार्य करता है। उसके बाद जो सेरिबेलम होता है ये हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। और जो दारू इंसान पी लेता, शराब पी लेता है ना, तो ये कार्य करना भी बंद करता है। तो ये देखते हो ना कि दारू पीने वाला, शराब पीने वाले व्यक्ति, धूम्रपान जो करते व्यक्ति, वो कहीं जाने तहां गिरने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी कंट्रोल क्या होती है, खो देती है। तो ये सेरिबेलम आपका कार्य करना बंद कर देता है। उसके बाद मेंडुला अपला गाटा जो होता है ये मेटाबोलिन को नियंत्रित करता है। और मेटाबोलिन एक टॉपिक होता है जिसमें केटाबोलिन और मेटाबोलिन दोनों होते हैं। मेटाबोलिन जो होते हैं आपकी एक टॉपिक होते हैं, इसमें जो कि केटाबोलिन और एनाबोलिक के दो टॉपिक होते हैं, इनको हम कल पढ़ाएंगे मेटाबोलिक। तो ये हमारे आपका ब्रेन का जो भाग होते हैं, इस तरह से ब्रेन कार्य करते हैं।